बाल विकास CDP की क्लास लेकर आए हैं। सी टेट एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है उसके लिए, और सुपर टेट में जो पेडागोजी पूछी जाती है CDP की, उन सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। तो पहला प्रश्न है, सभी लोग इसका आंसर दें, विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। कौन सी अवस्था है, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर निकालें। कौन सा आंसर है इसका, विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। शेष अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, तो यह होती है अमूर्त सोच, यानी बालक कहीं ना कहीं परिपक्व हो चुका है, बड़ा हो चुका है। तो अमूर्त सोच कौन सी अवस्था में आती है, 7 से 11 होती है मूर्त अवस्था, और 11 से ऊपर, 11 प्लस, तो ये अवस्था होगी किशोर अवस्था। अगला प्रश्न, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सभी लोग जल्दी से इसका आंसर जल्दी से दें। इसका आंसर कौन सा नहीं है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको गलत बताना है। विकास एक खास क्रमानुसार चलता है, ये बात तो सही है। विकास विभेदन व एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है, ये भी बात सही है। विकास पैर से सिर की दिशा में चलता है, ये गलत है। विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। विकास केंद्र से बाहर की दिशा में होता है, ये भी सही है। तो आपको क्या बताना था, कौन सा सही नहीं है, तो आंसर इसका क्या है, सी। अगला प्रश्न, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है, तो आप लोग बताएं बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता किस कारण होती है। चार ऑप्शन है, इसमें से बताएं कौन सा हो सकता है, आप लोग कमेंट करें जल्दी से। बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण होते हैं, ऐसा नहीं। केवल बालकों के पालन पोषण का तरीका होता है, नहीं। जितने भी ये केवल बरसाते नहीं आते, ये सभी कैसे होते हैं, नकारात्मक। आनुवंशिकता व पर्यावरण कारकों के बीच परस्पर जटिल क्रिया, केवल बच्चों का भौतिक परिवेश, केवल शब्द हैं इसको नकारात्मकता दर्शाते हैं, कैसा नकारात्मकता दर्शाते हैं। इसका आंसर क्या है, आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया होती है। अगला प्रश्न, सामाजिकरण है, तो सामाजिकरण कैसा है बताएं जल्दी से आंसर इसका, समाजीकरण कैसा होता है। समाजीकरण रैखिक व निश्चित प्रक्रिया है, सरल व एकायामी प्रक्रिया है, जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है, अनमय व सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है समाजीकरण, समाजीकरण एक जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है, कैसी है, जटिल और बहुआयामी। अगला प्रश्न है,
जीन प्याजी ने सुझाव दिया कि बच्चे कैसे होते हैं। इसका आंसर जल्दी से बताएं आप लोग, बच्चे कैसे होते हैं जीन प्याजी के अनुसार। बच्चे एक खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और जन्म के समय नासमझ होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। ये भी नहीं कहा था जीन प्याजे। भाषा विकास को सुसाध करती है, ये वायगोस्की मानते थे। कौन मानते थे? वायगोस्की। बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं। ये आंसर इसका राइट है। जीन प्याजे ने ये कहा था कि बच्चों जो बच्चे हैं वो बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है इसका जल्दी से बताएं सभी लोग। निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? शिशु अवस्था 6 से 11 साल, माध्यमिक बाल अवस्था 26 साल, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक, पूर्व संक्रियात्मक चरण जन्म से 2 वर्ष। तो इसका क्या आंसर है इसका? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक होती है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? कौन सी आलोचना है बताएं सभी लोग, जल्दी से इसका आंसर निकालें। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? यह नैतिक विकास का एक निश्चित क्रम नहीं देता। यह प्राकृतिक स्थितियों में बच्चों के सहभागी अवलोकन का उपयोग करता है। यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। बीस का राइट आंसर है कि कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना की गई थी नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव पर। इन्होंने नारीवाद को नकारा था। अगला प्रश्न, लेब वायगोस्की का मानना था कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? बता जल्दी। लेब वायगोस्की का मानना था कि लेब वायगोस्की का मानना था क्या मानना था लेब वायगोस्की का जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर निकाल कर। लेब वायगोस्की का मानना था कि बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है वे उस निष्क्रिय रूप से पुनरुत्पादन करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। बच्चे उद्दीपन व प्रतिक्रिया का अनुकूलन करके सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें उपयुक्त भौतिक इनाम प्रदान किया जाए। वायगोस्की मानते थे कि बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ को खुद विकसित करते हैं, ऐसा मानते थे। बीच का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, लेब वायगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्व दी है, किस पर दिया है? भाषा, कैलेंडर, कैलकुलेटर, मोबाइल। सभी लोग जल्दी से कमेंट करें किस पर दिया वायगोस्की ने। वायगोस्की का कौन सा उपकरण है जल्दी से निकालें सभी लोग।
इसका आंसर निकाल के जल्दी बताएं सभी लोग। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में भाषा जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्वता दी है। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा किस प्रकार की होती है, जल्दी से बताएं प्रगतिशील कक्षा के बारे में। एक प्रगतिशील कक्षा बच्चों का सीखना इनाम व सजा के प्रयोग से नियंत्रित होता है। बच्चों को सख्त निगरानी में रखना चाहिए, बिल्कुल गलत। सीखने को सुसाधित करने के लिए वेदन व अभ्यास की विधि का पालन करना चाहिए, ये भी गलत। सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं, बता जल्दी से इसका आंसर निकालें। कौन सी बुद्धि ऐसी है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था हॉवर्ड गार्डनर। तो गार्डनर के अनुसार बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते और अपने गुणों को पहचानते हैं, कौन सी बुद्धि कहलाती, उसे कहते हैं अंतः व्यक्तिक बुद्धि। अगला प्रश्न, शिक्षकों का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करेगा, कौन सा मदद करेगा, जल्दी से इसका आंसर बताएं आप लोग। शिक्षकों का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करेगा, कक्षा में केवल लड़कों को भारी कुर्सी मेज उठाने को कहना, ऐसा करने से रूढ़िवादिता और बढ़ेगी, भेदभाव बढ़ेगा, लिंग भेद बढ़ेगा, खेल के लिए गुड़िया व घर केवल लड़कियों के लिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, देखभाल करने वाले व्यवसाय का जिक्र केवल औरतों के संदर्भ में, इससे भी रूढ़िवादिता पक्षपात बढ़ता है। लेकिन सभी जेंडर में स्वायत्तता व समानुभूति के गुण विकसित करना, इससे रूढ़िवादिता पक्षपात कम होता है। अगला प्रश्न, कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में दिखता है, जल्दी इसका आंसर निकालें, कौन सा देखता है। कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले उपकरण सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है, व्यवहारवादी, सूचना संक्रमण, सामाजिक सांस्कृतिक, मनोगतिशील, कौन देखता है, सामाजिक सांस्कृतिक। अगला प्रश्न, कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति नहीं है, बताएं प्रभावी रणनीति कौन सी नहीं होती है, बताएं जल्दी से। तीस सेकंड मिले हैं आप लोगों को, जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। अच्छा, इसका क्या आंसर है, निर्देशों के मानक सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना, राइट आंसर। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए? जल्दी से इसका कमेंट करें, आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए? आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो आगे आंसर इसका रचनात्मक होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? जल्दी से कमेंट करें। बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान, योग्यताओं के आधार पर बच्चों का पृथकीकरण, बच्चों की पहचान कर उनका उपयुक्त नामीकरण, पाठ्यपुस्तकीय अनुभवों, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों में लचीलापन। इसका कमेंट करें जल्दी से, आंसर इसका क्या है? इसका आंसर है पहला और चौथा। छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? जल्दी से इसका आंसर निकालें। छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? इसका आंसर क्या है? एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, अभिकथन इसका है, पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए व उन्हें लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देना चाहिए। पठन वैकल्य की चुनौती वाले विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई होती है। इसका आंसर क्या है? ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला प्रश्न, कौन सा उदाहरण सहायकी गतिविधि का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा? कौन सा करेगा? जल्दी से बताएं इसका आंसर। दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली। अंधे बालकों के लिए क्या बनाई गई? ब्रेल प्रणाली या ब्रेल लिपि, जो 6 बिंदुओं पर आधारित है। निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? जिज्ञासा, स्वतंत्रता, अनुकूलनशीलता, उच्च स्तर की एकाग्रता, बारंबार अभ्यास की आवश्यकता। कौन से हैं? ये सभी होते हैं। अभिकथन क्या है? प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, ना कि बच्चों को। इसका तर्क क्या है? बच्चे निष्क्रिय श्रवण की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वाधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न, क्या है? शिक्षकों को विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार उचित व उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। सीखना एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। तो दोनों ही सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षा में बच्चों की सफलता को किस प्रकार देखना चाहिए? बताएं इसका जल्दी से आंसर। किस प्रकार देखना चाहिए प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों को? स्कूली तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबिंबन इस प्रकार देखना चाहिए।
अगला प्रश्न, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम कैसा होता है? एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम होता है सक्रिय और सामाजिक। अगला प्रश्न है, समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, इसको कहते हैं साधन लक्ष्य विश्लेषण। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति व संवेगात्मक जरूरतों की उपेक्षा करनी चाहिए। अकादमिक अधिगम बच्चे के संवेगात्मक स्वास्थ्य से प्रभावित नहीं होता, तो ए और आर दोनों सही, दोनों ही गलत हैं इसके। अगला प्रश्न है, अधिगम को कैसे सुसाधित करना चाहिए? पता है इसका आंसर, अधिगम को कैसे सुसाधित करना चाहिए? अधिगम को अर्थपूर्ण खोज द्वारा सुसाधित करना चाहिए। स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता व समझ किस प्रक्रिया में शामिल है? तो यह समायोजन में शामिल होती है। शिक्षकों में मान्यता रखनी चाहिए, योग्यता है और विद्यार्थियों को तय करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कैसा स्थिर मार्ग उन्मुखी, कैसा क्या करना चाहिए, क्षमा चाहते, शिक्षकों में मान्यता रखनी चाहिए कि योग्यता बार्धिक है और विद्यार्थियों को महारत उन्मुखी होना चाहिए। सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो। अगला प्रश्न है, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम है, विकास का क्रम कैसा होना चाहिए? सरल से जटिल की ओर, प्राथमिक स्तर पर या प्राथमिक वर्षों में पहले बालक को सरल सिखाया जाए, उसके बाद जटिल या कठिन सिखाया जाए। अगला प्रश्न, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? प्रारंभिक बाल्यावस्था एक संवेदनशील काल होता है। अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं उसको समाजीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, समाजीकरण या सोशलाइजेशन। संज्ञानात्मक विकास की किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं व उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है? अपनी सोच में वह दर्शा रही है जीववादी चिंतन। निम्न में से कौन सी संकल्पना लेब वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? स्कीमा जो है जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया, और समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाड़ और सामाजिक अंतःक्रिया, ये सभी वाइगोत्स्की के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। तो इसका कौन सा आंसर है? स्कीमा। लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है? उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ आलंबन करना। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है?
कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की विशेषता क्या है? नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। एक प्रगतिशील कक्ष में क्या होता है? एक प्रगतिशील कक्ष में क्या होता है, जल्दी से बताएं सभी लोग, इसका आंसर निकालें। एक प्रगतिशील कक्ष में बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हॉवर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था? भाषाई बुद्धि का वर्णन किया गया था हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा।